प्रयागराज जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर, रामनगर सरकारी अस्पताल की डॉक्टर रीता द्विवेदी समय पर नहीं पहुंचती अस्पताल, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज मेजा के रामनगर स्वास्थ्य केंद्र से रामनगर सरकारी अस्पताल में MBBS डॉक्टर कर रहे मनमानी, मरीजों के काफी घंटा इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंचते डॉक्टर्स। रामनगर स्वास्थ्य केंद्र में की महिला डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचती डॉक्टर रीता द्विवेदी अस्पताल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज के मेजा के रामनगर स्वास्थ्य केंद्र से ये बड़ी खबर। सवाल पूछे जाने पर रीता द्विवेदी ने किया बीच बचाव, बच्चों का सहारा लेकर रीता द्विवेदी ने किया बचाव, बताया बच्चों की तबीयत खराब होने से समय से नहीं पहुंची अस्पताल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज के मेजा के रामनगर स्वास्थ्य केंद्र से रामनगर सरकारी अस्पताल की डॉक्टर रीता द्विवेदी समय पर नहीं पहुंचती अस्पताल, साल के MBBS डॉक्टर कर रहे अपनी मनमानी, घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं पहुंचते डॉक्टर्स। Inter247 लाइव टीवी के लिए प्रयागराज जनपद से संवाददाता वैभव यादव की रिपोर्ट। अभी स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में हम मौजूद है। जैसा कई दिनों से खबर मिल रही थी कि देखिए जो यहाँ के MBBS डॉक्टर रीता द्विवेदी जी हैं अक्सर लेट में आया करती थी, तो आज हम आपको बता दें जो इनका टाइमिंग है 8 बजे का, 8 बजे उन्हें यहाँ पे आ जाना चाहिए। आज हम सुबह 8 बजे से ही यहाँ पे बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपको बताया टाइमिंग अभी 2 घंटे से ज़्यादा हमें हो गया, मतलब 10:16 हो रहे हैं, लेकिन आप भी देख पा रहे हैं कि इनका चैम्बर खाली है, मैडम जी यहाँ पे नहीं है। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से टाइमिंग भी पूछेंगे। भैया क्या टाइम क्या हो रहा है अभी? 10:16 हो रहे हैं। भैया टाइमिंग क्या हो रहा होगा? 10:16। देखिए यहाँ पे लोग हैं, 10:16 हो रहा है, लेकिन आपको बता दें जो मैडम जी का टाइमिंग है तकरीबन 8 बजे का है, 8 बजे से 2 बजे तक। लेकिन आपको बता दें रोजाना ये मैडम लेट आती है, आज हम 8 बजे से इनका इंतजार कर रहे हैं कि आज मैडम का दर्शन करेंगे। लेकिन आपको बता दें मैडम मानो ऐसे लग रहा है कि छुट्टी पे है। अभी अधीक्षक साहब से हमारी बात हुई तो अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है कि वो छुट्टी ली हुई है। देखिए इंतजार कर रहे हैं हम कब तक मैडम ली आती हैं, हो सकता है शायद, क्योंकि देखिए 10 से ज़्यादा हो गए, मानो ऐसे लग रहा है कि मैडम जी छुट्टी पे हैं, लेकिन फिर भी इंतज़ार हम करेंगे क्योंकि आम जनता की बात है। लगातार शिकायतें आ रही है कि जो डॉक्टर रीता द्विवेदी जी हैं अक्सर लेट में आती हैं। आज उनसे हम पूछेंगे लेट में आने की वजह क्या है, क्या सरकार उनको सैलरी कम दे रही है, या समय पर उन्हें सैलरी नहीं मिल पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें जो भी समस्याएं हैं सब हम आप सबके सामने रखेंगे। नगर CSC में हम मौजूद हैं। आपको बता दें सुबह 8 बजे से हम मैडम का इंतज़ार कर रहे थे। मैडम डॉक्टर हैं यहाँ पे, जो कि जितने भी यहाँ पे अगर महिलाओं का देख रेख इन्हीं के हाथ में रहता है। आपको बता दें इनकी जो टाइमिंग होता है 8 बजे से 2 बजे का होता है। तो आखिर क्यों मैम लेट आ रही है, क्योंकि कई बार शिकायतें मिलने के बाद आज हम पहली बार मैम के पास आए, इनसे पूछते हैं आखिर क्या वजह थी जो मैम लेट आ रही है। मैम शुभ नाम क्या है मैम? डॉक्टर रीता द्विवेदी। कौन से पद पे हैं आप यहाँ? मेडिकल ऑफिसर। मैम क्या वजह है कि आपका टाइमिंग जो है 8 से 2 बजे का है, आप आ रही हैं तकरीबन 11 बजे के बाद? भैया बच्ची की तबीयत जो है ख़राब है, पूरी रात जो है बच्ची की वॉमिटिंग और पूरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। हाँ आज ही ख़राब था और दिन भी ख़राब रहते हैं बच्चे का? दिन से ख़राब है। शिकायतें कई दिन से मिल रही हैं कि आप रोज़ाना लेट आती हैं। नहीं मैं डेली आती हूँ और 5 बजे तक यहाँ रहती हूँ। 5 बजे तक? हाँ शाम 5 बजे तक रहते हैं। अभी हमारे सामने 2-3 महिलाएं थी आपका वेट करते करते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चली गई। आपसे बड़ा डॉक्टर तो यहाँ पे कोई नहीं। आपको पता है कि जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल सब फर्जी हॉस्पिटल है, कोई ढंग का डॉक्टर नहीं, आप ही एक ही हैं, आपके ही भरोसे लोग आते हैं और आप भी लेट आती हैं। भैया बता तो दिया कि बच्ची जो है तबीयत पूरी रात वो ख़राब थी। ये चलिए देखिए डॉक्टर हैं कह रहे हैं कि इनके बच्चे का तबीयत ख़राब था इसी वजह से लेट है। देखिए दिखा देखिए महिलाओं की आपको भीड़ दिखा दें। देखिए बहुत यहाँ पे महिलाएं हैं जो कि इलाज के लिए यहाँ पे आई थी, तकरीबन कई घंटों से बाहर इंतज़ार कर रही थी। तो मैडम कह रही हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब थी, ये तो एक बहाना है। आपको सच्चाई बताए तो बच्चे का तबीयत ख़राब होना कहीं ना कहीं एक बहाना है, क्योंकि हर दिन ये मैडम लेट आती हैं और आज हम सुबह 8 बजे से यहाँ पे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैम कह रहे हैं कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे की तबीयत ख़राब थी और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं इनका वेट कर रही हैं। इसमें हम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कर सकते हैं। जिस तरीके से सरकार इन्हें लाखों रुपये हर महीने सैलरी देता है, लेकिन आपको बता दें अगर टाइम पर सैलरी ना मिले तो मैडम जी जो आज मैडम जी लेट आ रहे हैं, तो आपको बता दें सड़कों पे लोग तांडव करने लगते हैं कि सरकार हमें टाइम पे सैलरी नहीं दे रही है। लेकिन सरकार टाइम पे सैलरी दे रही है, वो भी महीने का लाखों रुपए, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से भोली वाली जनता के साथ गलत कर रही है।